depends on only amount of solute, यहाँ बड़ा बड़ा अक्षर में लिख देते हैं amount of solute, ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से amount of solute and not depends upon nature of solute and solvent called as colligative properties. कहने का मतलब ये कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसे प्रॉपर्टीज को कहते हैं, किसी बिलियन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसे प्रॉपर्टीज को कहते हैं, बिलियन का प्रॉपर्टी ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं तो किसका प्रॉपर्टी, कॉलिग का प्रॉपर्टी मत समझ जाना, किसी और चीज का मत समझ, बिलियन का यहाँ बात हो रहा है, किसका प्रॉपर्टी, हमारे खुद से बिलियन है, बिलियन का प्रॉपर्टी, तो बिलियन का प्रॉपर्टी यानी वैसे बिलियन का प्रॉपर्टी जो केवल और केवल अमाउंट ऑफ सॉलिड पे डिपेंड कर रहा है, बिलियन की मात्रा पे डिपेंड कर रहा है और किसी भी चीज पर, इसके अलावा किसी भी चीज पर नहीं, किसी भी चीज पर नहीं मतलब नेचर ऑफ सॉलिड है, सॉलिड इस पे डिपेंड नहीं करेंगे, यानी वनली फोर, वनली वर्ड का इस्तेमाल किया, वनली वनली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वनली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है एंड नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. वो भी अमाउंट सिर्फ किसका देखा जाएगा, सॉल्वेंट का भी नहीं देखा जाएगा, केवल किसी बिलियन बिले की मात्रा पर ही डिपेंड करेगा, जो प्रॉपर्टीज बिलियन का उस बारे प्रॉपर्टीज को हमने क्या नाम दिया, यानी अगर हजार तरीके का बिलियन का प्रॉपर्टीज है तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज जो केवल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा था उनको किस वाले कैटेगरी में डाला. तो हमें इस चैप्टर में हमारा जो सिलेबस है वो केवल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला ही पढ़ना है, बाकी से हमको कोई लेना देना नहीं. बाकी किसी और चीज पे निर्भर कर रहे होंगे इनके अलावा, तो उन वाले प्रॉपर्टीज को यहाँ हम डिस्कस, हमारे 12th स्टैंडर्ड में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही पढ़ना है हमारे सिलेबस में, और किसी तरीके का प्रॉपर्टी नहीं, यानी केवल वैसे प्रॉपर्टीज का हम यहाँ स्टडी करेंगे.